बुश ने वो वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। और अपना जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि आई देन डिस्कस्ड विद माय कोर कमांडर्स के भी हम इन हालात में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू परवेज मुशर्रफ द इंडियंस, वाजपेयी साहब हैड ऑफर्ड कि हम आपको अपनी ये फैसिलिटीज दे देते हैं इफ यू वांट टू कैरी आउट एक्शन। कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनके जेन में ये है कि हमने अफगान जिहाद में रूसियों को हरा दिया है, हम अब सारी दुनिया को कैप्चर कर लेंगे। ये बेवकूफों वाला जेन जो है ये बिल्कुल आज तक है। अभी भी ये जो लोग लिंच करते फिरते हैं, वो आप क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं अपने आप को? नॉट एट ऑल। उसामा बिन लादन को यही लेके आए ना। अलकायदा जिसने ये कैरी आउट किया, ये अरबों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जब ये हमला हुआ तो अमेरिकन्स ने कहा तालिबान को कि इनको सरेंडर कर दो। उन्होंने कहा हम अपने मेहमान को सरेंडर नहीं करते, हम एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं जहाँ पे एक क्या कहते हैं फेयर ट्रायल होने चाहिए, जो अमेरिकन्स नहीं माने और फिर उन्होंने हमला कर दिया। उसी में वो पाकिस्तान भी लपेट में आ गया ना कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। पाकिस्तान की तारीख के मोड़, अगर वो मोड़ ना मुड़ते तो तारीख कुछ और होती। वो मोड़ जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया। एक गहरी तहकीक, एक तफसीली तज्जिया। पाकिस्तान को समझने के लिए देखिए टॉकिंग पॉलिटिक्स के खुसूसी एपिसोड्स डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन जफर और ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स का स्पेशल एपिसोड नंबर 9। हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के की मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो है वो क्या है, आपने क्या क्या आज नोट का की किया? मोमेंट है सर, जनरल मुशर्रफ साहब का एरा है और उसमें जी 9/11 होता है एंड दैट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड देयरफॉर अ वेरी ग्लेयरिंग की मोमेंट दैट वी आई वांट। वुड से अ टर्निंग मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री इन विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद पाकिस्तान्स ओन हिस्टोरिकल। ठीक है, ये और उसके बिल्कुल ऊपर ऑफ कोर्स बिल्कुल पाकिस्तान इज द फ्रंट लाइन स्टेट, इज द की प्लेयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस, द रेस्ट एग्जैक्टली ऑफ द वर्ल्ड वाज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस बट वी वर दैट्स राइट करेक्ट इनटू इट। दैट्स करेक्ट दैट्स यस, करेक्ट। हाँ जी सो दैट्स हाउ इट इज। और उसके बाद एक टुवर्ड द एंड ऑफ मुशर्रफ एरा लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट होती है पाकिस्तान में फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी। वो जो जी इमरजेंसी लगी थी 2007 में, सो ये एरिया हम बाद में इसके साथ ही कवर कर लेंगे विद कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हाँ द सेम एपिसोड। सो 9/11, दैट्स वेयर अच्छा, वी आर। 9/11 जब होता है जी तो जाहिर है उसके बाद यूके का जो रिएक्शन है, मुझे याद है उनके डिप्लोमेट होते थे होलब्रुक, हु वाज इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने कहा कि दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन द यूएसए, सो वी हैव ऑल द राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ टू स्ट्राइक। और उन्होंने फिर स्ट्राइक किया अक्टूबर 2011 में। फिर उन्होंने जवाब दिया और फिर बम्बार्डमेंट शुरू की काबुल से, फिर भागना पड़ा ये तालिबान तालिबान को। और अक्सर ने ये पाकिस्तान में जाके पनाह ली, कहते हैं कि क्वेटा में ज़्यादा और फिर पेशावर में कुछ लोग। तो अब ये तालिबान जो हैं जब पाकिस्तान में आ गए तो यहाँ पे बात रुकी नहीं ना। बुश ने वो वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। और अपना जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि आई देन डिस्कस्ड विद माय कोर कमांडर्स के भी हम इन हालात में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू परवेज मुशर्रफ द इंडियंस, वाजपेयी साहब हैड ऑफर्ड कि हम आपको अपनी ये फैसिलिटीज दे देते हैं इफ यू वांट टू कैरी आउट एक्शन। इंडियन इसको कंफर्म करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है।
कि हम हेडक्वार्टर्स में ये बात हुई कि अगर हमने ना किया और इंडिया ने दे दी अपना बेसिस और ये और वो, तो फिर पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा सलूक होगा। और वो कहते हैं कि यूएस की कोई 6-7 डिमांड्स थी जिसमें से 2 हमने पूरी नहीं की। उनमें से एक तो ये थी गालिबन के ये AQ खान को हैंडओवर किया जाए, एंड आई थिंक एक और भी थी, लेकिन वो कहते हैं हमने बाकी मान ली। और उसके बाद फिर अमेरिका से दोबारा, क्योंकि आफ्टर द मिलिट्री को मुशर्रफ वंस अगेन वाज टोटली आइसोलेटेड, अमेरिका की सारी फंडिंग खत्म हो गई थी, ये दोबारा हुई फंडिंग रिवाइव। इसी दौरान फिर वो तालिबान ने कहा कि ये तो पहले हमें फ्रीडम फाइटर कहते रहे हैं, यानी पाकिस्तानी, अब मुशर्रफ जो है वॉर ऑन टेरर इस्तेमाल इसने उसका हिस्सा बन गया, तो काउंटर में उन्होंने फिर टेररिज्म शुरू कर दी पाकिस्तान के अंदर। तो ये है फिर उसके बाद जो टेररिज्म हुई है उसका एक के बाद एक इंसिडेंट आपके सामने है। और तो और इनमें से कुछ लोग जाके पहले अक्टूबर 2001 में ये श्रीनगर की जो पार्लियामेंट है वहां पे इन्होंने अपना हमला कर दिया, और फिर 13 दिसंबर 2001 को इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला किया, जिसके वजह से कोई 1 मिलियन सोल्जर उधर से और 500,000 हमारे सोल्जर्स जो हैं वो वहां फ्रंट लाइन पे आ गए, यानी बॉर्डर्स पे आ गए। जब भी डॉक्टर साहब ऐसा कोई वाकया होता है तो उसके ये देखने की, उसकी असेसमेंट के लिए ये जरूरी है कि ये देखा जाए कि उससे फायदा किसे हुआ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड किसे कहीं से भी कैलकुलेट कर ले ये मुंबई अटैक्स को, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होता था, इससे कोई कश्मीर लिबरेट हो जाता या इंडिया। ये आपकी आपकी जो बात है ना वो है आपकी एज अ स्कॉलर ट्रेनिंग के, वो क्या अपना रैशनल कैलकुलेशन क्या होती है। पाकिस्तान अगर रैशनल कैलकुलेशन कभी भी कर सकता, टेक्टिकली कर लेते हैं, ये आप बात समझे, मैं बार बार कह रहा हूं दे आर गुड एट टेक्टिकल कैलकुलेशन। जैसे वाजपेयी आए, टेक्टिकल लेवल क्या फायदा हुआ था, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इससे क्या फायदा है। नहीं नहीं, उफ उफ उफ, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनके जेन में ये है कि हमने अफगान जिहाद में रूसियों को हरा दिया, हम अब सारी दुनिया को कैप्चर कर लेंगे। ये बेवकूफों वाला जेन जो है ये बिल्कुल आज तक है, अभी भी ये जो लोग लिंच करते फिरते हैं वो आप क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं अपने आप को, नॉट एट ऑल, ये पागलों का जेहन है। इसलिए कि इसका कोई फायदा ही नहीं है इस बात का, इट जस्ट मेक्स यू लुक बैड। अगर तो ये सारे इल्जामात तस्लीम कर लिए जाए, व्हिच पाकिस्तान डजंट इन द फर्स्ट प्लेस, नो पाकिस्तान डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग, लेकिन दिस इज सच अटर नॉनसेंस। मैंने तो बॉम्बे जाके वो इवेंट जगह भी देखी है जहां जहां हमले हुए हैं। I went there in 2009. ये 9/11 के का फॉलोआउट है एक तरह से। 9/11 तो होता है ना 2001 में बॉम्बे के अटैक में हम आ गए हैं, और ये तो मुशर्रफ के बाद हुआ है। बाय द वे, वी शुड मिक्स दिस थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑन द इंडियन एम्बेसी, इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे जो हुआ था 13 दिसंबर 2001। उसका क्या फायदा होता है, फायदा कोई नहीं हुआ, लेकिन आउट ऑफ ये लोग जंग कर करके देवर मैड इन द हेड। ये जितने आपके वो ये 20,000 आपने बनाए नहीं थे हुए, ये क्या कहते हैं यार मदरसा, वहां से जो ये ट्रेनिंग लेके आए हैं, इनका ख्याल था हम जैसे हिंदुओं को भी डरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसी दौर None of that, it all backfired. उसी दौर में डॉक्टर साहब मैं वहां ग्लासगो में था, जी जी, 9/11 के बाद, ये 2001 के बाद 2003 एंड ऑनवर्ड्स, सो अर्ली 2000 का टाइम था। तो उस वक्त हमें याद है कि वो बहुत, उस वक्त ये फंडामेंटलिज्म का लफ्ज़ इजाद हुआ था,
फंडामेंटलिस्ट इस्लाम और फंडामेंटलिज्म, जी, इसका फिर उसकी अदर वेरिएशन आती चली गई, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम एंड दिस इस्लाम एंड दैट इस्लाम, मिलिटेंट इस्लाम, मिलिटेंट इस्लाम, वेरियस थिंग्स। और अभी जो मौजूदा दौर में ये सारी हमें बातें सुनाई देती हैं, अब जो उस वक्त गाजा में और ये इसराइल में जो सिचुएशन डेवलप हुई है और ईरान की सिचुएशन उसके साथ, तो वो एक कॉन्टिन्यूएशन में अगर हम देखेंगे चीज़ों को, तो आप क्योंकि आपने कहा था कि हम करंट सिचुएशन भी इन रिलेशन टू द प्रीवियस इवेंट्स कि उनका हम क्या, ये तो कह सकते हैं कि गाजा में ठीक है अटैक हमास ने किया, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान और हिजबुल्ला की बैकिंग भी उनके उनके पास है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अरबों ने इसराइल के साथ दो तीन जंगें करके देख लिया कि अगर वो जीत रहे भी हों तो अमेरिका उनको जीतने नहीं देता। और ये हमास से पहले जो इन्होंने, यानी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डेविड कैमरन, आजकल उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उन बयान है कि गाजा इज एन ओपन एयर प्रिजन, ये उसका बयान है। यस यस, वहां से ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हुई, बेशक टेररिज्म हुई, लेकिन उसके बाद ये जो नेतन्याहू और ये बिल्कुल ये रेसिस्ट है, ये उस पूरे इलाके को सिर्फ अपने लिए मानते हैं। ब्लेयर की वाइफ का बयान याद है जिसपे बहुत हाहाकार हुई थी ब्रिटेन में जब ये 9/11 हुआ और उसके बाद वो सारा एक डिस्कोर्स बना, तो उन्होंने कहा था कि आई डू नॉट एग्री विद देम बट आई कैन अंडरस्टैंड देम, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी है। एक एक पॉपुलेशन को आपने एक एनक्लेव में रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, एंड सेम व्हाट एवर हैपेंड इन अफगानिस्तान उससे पहले जो आपने इराक में किया, तो ये कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी चल रही है। दैट्स राइट, दैट्स राइट, ये हवा में तो नहीं पैदा करती। लेकिन जो अमेरिका और उसका जो मीडिया और जो वेस्ट का मीडिया, वो कहाँ छोड़ता है आपको कि आप सच वो की बात करें? नहीं छोड़ता। और अभी हाँ, भी देखिए जो एंटी सेमिटिज्म वगैरह सारी बातें, तो मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब आपसे मैं इस पे राय लेना चाहूंगा कि ये जो इस्लाम के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम या एक क्रिश्चियनिटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट फिरका या ज्यूज में ये ज़ायनिज्म जो है ये, और हिंदूज में भी, हमारे हिंदू दोस्त यहाँ पे सुनते हैं, वी हैव वंडरफुल हिंदू फ्रेंड्स, लेकिन उनके अंदर एक हिंदुत्व की जो एक नई एक आई है, और आपके ऊपर भी इतना बैकलैश आया क्योंकि आपने वो चीजें हाईलाइट की, तो बिल्कुल बिल्कुल वो सो अनफॉर्चुनेट के, मतलब आपको लोग उसी वक्त अप्रिशिएट करते हैं जब आप पाकिस्तान के बारे में क्रिटिकल हो या जिना साहब के बारे में। बिल, बस बस बस, तो हम उनमें से नहीं, हाँ, आई एम नॉट वन ऑफ देम, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, और मुझे, मैंने इसराइल के ऊपर भी 5 ये वीडियो बनाए थे, उसकी वजह से ये हिंदुत्व वाले मेरे बहुत खिलाफ हो गए थे। मुझे याद है डॉक्टर साहब, इट्स 10 years ago, मैं इंग्लैंड एक कॉन्फ्रेंस पे गया, फेलमथ यूनिवर्सिटी पे, वहां पे आई मेट एक साहब थे, एलन नाम था उनका, एंड वो सुबह मुझे उठने में जरा दुश्वारी थी क्योंकि मैंने रात को ट्रेवल किया हुआ था, एंड आई आस्क कि भाई इफ यू कैन गिव मी अ वेक अप कॉल, दिस जेंटलमैन केम टू माई फ्लैट एट 8 in the morning, जो बिल्कुल टाइम था, एंड ही वॉज अ ज्यू, वंडरफुल गाय, और he was from Israel, लेकिन हमने उसके साथ ज्यादा ताल्लुक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारी अपनी एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पोजीशन है एज अ पाकिस्तानी नेशनल, तो उसके साथ वहीं तक ताल्लुक था, बट आई फाउंड हिम अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी डिफाइंड, मेरे यहाँ वेरी क्लोज फ्रेंड जो हैं वो ज्यूज हैं स्टॉकहोम के अंदर। ये जो एक परसेप्शन है मुसलमानों के बारे में कि हम पर से यानी को फंडामेंटली ज्यूज के अगेंस्ट है, दैट इज नॉट सो। अगर आप हिस्ट्री देखें तो असल झगड़ा तो मतलब ज्यू ऑफ माल्टा या मर्चेंट ऑफ वेनिस किसी मुसलमान ने नहीं लिखी थी, देवर क्रिश्चियन राइटर्स, ये जो नॉट ओनली दैट, वो तो शेक्सपियर और उनका वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि मैंने, पता नहीं आपको वीडियो भी भेजा है महात्मा गांधी की स्टेटमेंट पे, आपने वो देखा या नहीं?
प्लीज देखें वो महात्मा गांधी का जो बयान है, वहां पे मेरा वीडियो भी है। और मैंने कहा है कि जब यहूदियों को 1492 में स्पेन से निकाला गया तो ये कहां जाते, ये सारे ऑटोमन एम्पायर में इन्होंने आके पनाह ली। सो मुस्लिम्स वर ऑलवेज एट पीस विद द ज्यूज। वेल यू नो, हिस्टोरिकली स्पीकिंग कुरान की एक आयत है कि द ज्यूज क्रिश्चियंस एंड सेबियंस आर पीपल ऑफ द बुक, दे कैन लिव अमंग मुस्लिम्स इफ दे पे द जजिया, दे कैन कंटिन्यू विद देयर रिलीजन एंड विद देयर एक्टिविटीज। तो उसकी वजह से क्रिश्चियंस और ज्यूज जो हैं हिस्टोरिकली मुसलमानों के दरमियान ज्यादा अमन से रहे हैं बजाय ये क्रिश्चियन वेस्ट के, ये फैक्ट है। सिर्फ ज्यूज का ही ज़िबा किया हुआ जानवर जो है मुसलमानों पे हलाल है, यू नो, वो कौशर कौशर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी हम एज मुस्लिम्स जो हलाल मीट है, ज्यूज का बनाया हुआ जो गोश्त है वो तो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो दैट इज इवन सो, मतलब ये है कि हमारा तो कभी ज्यूज के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम, दिस ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पिछले 100 years में, इफ यू लाइक टू से, वो तो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम पैदा हुआ, एक ज़ायनिज्म की तहरीक पहले से मौजूद थी, एक क्रिश्चियन के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट तबका पहले से मौजूद था, रेडिकल क्रिश्चियंस, और ये हिंदुत्व का भी उसी जमाने में जब ये ज़ायनिज्म का ये 1920s में ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ। लेकिन जो मैंने आपको महात्मा गांधी की स्टेटमेंट भेजी है, प्लीज आप वो पढ़ें भी, पूरी उनकी स्टेटमेंट महात्मा गांधी की, यस यू मस्ट रीड इट, ओके। और मैंने जो वीडियो बनाया वो भी देखें। सो हाउ कमिंग बैक टू 9/11 को देखा जाए तो हाउ डज दैट लुक नाउ, 9/11 का वेरियस रिलीजन्स हमारे सामने है। वो देखे, इन्होंने उसामा बिन लादन को यही लेके आए ना, और अलकायदा जिसने ये कैरी आउट किया, ये अरबों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जब ये हमला हुआ तो अमेरिकन्स ने कहा तालिबान को कि इनको सरेंडर कर दो, उन्होंने कहा हम अपने मेहमान को सरेंडर नहीं करते, हम एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं जहाँ पे एक क्या कहते हैं फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जो अमेरिकन्स नहीं माने, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। उसी में वो पाकिस्तान भी लपेट में आ गया ना, कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। एग्जैक्टली, सो मुशरफ सेड के मैंने पाकिस्तान को बचाने के लिए फ्रॉम अमेरिकन यू नो रॉथ जिसे कहते हैं, कि वो पाकिस्तान पे जो हमला करता मैंने बचा लिया पाकिस्तान को, ये उसकी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से इस मौके पे अगर इफ ही वाज गोइंग टू जॉइन द वॉर ऑन टेरर, जो 5-6 बिलियन था ना US डेट हमारे पे, वो क्लियर करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन मुशरफ ने वो नहीं करवाई। ठीक है, अलबत्ता इनको बहुत डॉलर मिले, ये मिले, तो खैर। सो 9/11 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म का वोग शुरू होता है, और जनवरी 2002 में मुशरफ देन गोज ऑन पब्लिक टेलीविजन पे और कहते हैं वो कि वी हैव डीलिंक्ड आवरसेल्फ विद द कश्मीर पॉलिसी, यानी ये जो पहले श्रीनगर में हुआ था और अब इंडियन पार्लियामेंट में। सो कश्मीर प्रॉब्लम को हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, ये मुशर्रफ का बयान है। वो तो काफी एडवांस कर गए थे, फिर वो आगरा समिट वगैरह वो सारा, नहीं वो मैं बाद में आता हूँ ना, लेट्स नॉट हरी, वी हैव टू गो थ्रू ये मुशर्रफ की स्टेजेस। हाँ जी, सो आफ्टर दिस एक इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, जिसमें मुशर्रफ देन कॉल्ड अप वाजपेयी और कहा कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। सो वो जो कारगिल का इफेक्ट था वो फिर खत्म हुआ, फिर आगरा हुआ। यस, आगरा में कहा जाता है कि बोथ हैड अग्रीड मोर और लेस, और इंडिया कहता है कि मुशर्रफ रिफ्यूज टू इंक्लूड के ये जो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, वो इसको फ्रीडम फाइटर ही कह रहे थे मुशर्रफ।
ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। मुशरफ का अपनी किताब में बयान है कि इंडिया की तरफ से कुछ लोगों ने अपना वाजपेयी को कहा यू कांट साइन दिस बिकॉज अकॉर्डिंग टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सारा कश्मीर अटूट अंग है इंडिया पाकिस्तान का, सो यू कांट मेक एनी अदर। तो अब ये दोनों वर्शंस हैं। इंडियंस कहते हैं कि वी इंसिस्टेड कि इस अग्रीमेंट में आप कहें कि आई डिसोसिएट माईसेल्फ विद कि ये टेररिस्ट हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, विच मुशरफ रिफ्यूज्ड। और क्या मुशरफ कहते हैं मुशरफ साहब के रिफ्यूज करने की, लेट्स ट्राई टू डीकोड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि he himself claimed to be a liberal person, तो इसे disband करने में क्या इशू थी? इसमें क्या सऊदी था कहीं इसके बैकएंड पे? नहीं, इवन लेटर ऑन, क्योंकि इन्होंने जब कारगिल इन्होंने किया था, मुजाहिदीन ही कहा था ना उनको, फ्रीडम फाइटर्स ही कहा था, तो he was taken to the story. सारी दुनिया कह रही थी, not just us. नहीं, मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ भैया, कारगिल की बात कर, सॉरी, यस सॉरी। हाँ, वहां पे पाकिस्तान ने तो कहा था ना ये मुजाहिदीन है, फ्रीडम फाइटर्स हैं। सो ही वाज स्टिकिंग टू दैट स्टोरी। इफ दिस इज ट्रू, ये द इंडियन से दिस। लेकिन मेरे पास है मुशरफ की किताब जिसमें उसने कहा है कि इंडियंस हैड कोल्ड फीट इन द एंड और वो साइन नहीं हो सका। ठीक है, मुशरफ, टू द क्रेडिट ऑफ मुशरफ, व्हेन ही वाज ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड देन उससे पहले सेपरेट इलेक्टेड्स जिया ने इंट्रोड्यूस किए थे मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए, वो सारे खत्म कर दिए। बल्कि अंडर लॉ ये कहा कि हर पार्टी को जो पार्लियामेंट में है उसको किसी ना किसी गैर मुस्लिम को भी नॉमिनेट करना पड़ेगा, चंद सीटें फॉर नॉन मुस्लिम्स रखी गई। तो जमात इस्लामी को भी किसी ना किसी क्रिश्चियन या किसी ना किसी हिंदू को नॉमिनेट करना पड़ता था फ्रॉम ऑन दैर पार्टी। तो दिस वॉज अ वेरी गुड रिफॉर्म फ्रॉम जनरल मुशरफ। एज यू से ही वॉज अ लिबरल मैन। साथ साथ उससे पहले जिया ने वो रेप लॉज जो है वो पुराने ले आया था कि औरत जो है वो चार ऐसे मर्द लाए जो कि ये है वो है, इन्होंने चेंज कर दिया और इन्होंने औरत की एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और मेडिकल एग्जामिनेशन को भी मान लिया। सो अपना वी कैन से दैट मुशरफ वाज लिबरल गिवन अ चांस, लेकिन जिन हालात में उस ये सियासत हो रही थी वहां पे उनका अपना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी कारगिल। आई थिंक कारगिल वॉज रॉन्ग टू कैरी आउट, लेकिन नाउ ही वॉज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स एंड आई थिंक ही वॉज अंडर अटैक फ्रॉम द तालिबान ऑल द टाइम। और बाद में फिर वो जस्टिस कौन थे यार जिनके साथ झगड़ा हो गया इनका, मुशरफ का, व्हाट वाज हिज नेम, जनरल वो क्या थे, चौधरी, इफ्तिखार चौधरी, इफ्तिखार चौधरी के साथ चीफ जस्टिस झगड़ा हो गया, यस, उसके हक में फिर ये आ गए अपना लॉयर्स मूवमेंट हुई जी, जस्टिस डोगर आ गए थे फिर वो सीपीओ के तहत, हाँ वो लॉयर नहीं लॉयर मूवमेंट शुरू कर दी ये एतजाज एहसन ने और इन्होंने मिलके, और फिर जनरल कियानी टुक ओवर एंड मुशरफ हैड टू लीव। यस, वो दो इसमें, हाँ इस दौरान में बेनजीर भुट्टो का कत्ल भी तो ले आए ना, yes. मुशरफ के 2006 में, यस असैसिनेशन हुई 2006 में, हाँ वहां पे बेनजीर भुट्टो वाज इन एग्जाइल एज वाज नवाज शरीफ ड्यूरिंग मुशरफ टाइम। तो बेनजीर ने फिर अमेरिकन प्रेशर डलवाया मुशरफ पे कि मुझे वापस जाने दो, एंड मुशरफ एक्चुअली राइट्स इन हिज बुक दैट आई वॉर्न्ड हर कि योर लाइफ मे नॉट बी सेफ एंड आई कांट डू मच इफ यू कम बैक, बट शी डिसाइडेड टू कम। टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि मुझसे जो एक बड़ी गलती हुई वो NRO देना था, ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था जिसमें जिसके बाद फिर
नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा बोथ वर अलाउड टू कम बैक टू पाकिस्तान जी जी एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग आफ्टर दैट सो आई थिंक एनी हाउ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री नहीं बट बट वी हैव टू टॉक अबाउट बेनजीर ब्रूटल मर्डर जो हुआ यार जी वो दैट इज 2006 द एनआरओ एंड 7 7 7 2007 में उसका पहले उस पे अटैक हुआ है जब व्हेन शी केम अक्टूबर में कराची में ही अटैक हो गया था और 150 बंदे उसके मारे गए थे फिर भी बेनजीर वुड नॉट लिसन टू रीजन शी केम टू यहाँ रावलपिंडी हालांकि मुशर्रफ हैड वॉर्न्ड हर कि योर लाइफ इज इन डेंजर बट शी टुक द चांस और वहां पे उन्हें फिर कत्ल कर दिया उसकी वजह मेरे मुझे ये समझ आती है कि बेनजीर वॉज बैंकिंग ऑन अमेरिकन बैकिंग एज अ गारंटी कि नथिंग विल हैपन टू हर एंड शी हैड इवन अग्रीड कि मैं AQ खान के साथ आपको इंटरव्यू करने दूंगी इफ आई कम टू पावर उसको तो मुशर्रफ ने भी नहीं था अग्री किया वो जो 6-7 पॉइंट थे ना मुशर्रफ हैड ओवर रूल्ड इट बट बेनजीर अपेरेंटली वॉज विलिंग टू डू इट इसलिए मेरे ख्याल से फिर उसको कत्ल किया गया दिसंबर 2007 में मेरे ख्याल से yes. But उसके बाद the mystery how it happened there are theories about it उसके बारे में but we don't have any anything for certainty नहीं सर्टेंटी मेरे पास नहीं आई एग्री हाँ हाँ लेकिन मुशर्रफ ने कहा कि उसके अंदर इट इज वेरी इंट्रीगिंग बिकॉज बेनजीर साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को बनने में भी मदद की थी और उनको सपोर्ट भी किया था व्हेन इट केम इनटू एक्जिस्टेंस सो इट्स क्वाइट इंट्रीगिंग के फिर व्हाई तालिबान इफ एट ऑल दे वर रिस्पॉन्सिबल कि वो इनके क्यों हो गए थे Well, we don't know, but in coming back, American pressure for Benazir was had played a major role. आप ये याद रखें. और उसका ख्याल था कि मैं as long as the Americans are with me, Musharraf can't touch her. लेकिन Musharraf ने अपनी किताब में लिखा है कि while she was in Dubai, I warned her, don't come back. I have information that your life can be in danger and I can't help you. बट शी स्टिल केम बैक और फिर उसका कत्ल भी हो गया सो कौन लोग इन्वॉल्व थे कौन नहीं थे ये मिस्ट्री आप कह सकते हैं लेकिन एक UN की इंक्वायरी भी हुई थी जो मेरे पास मैंने किताब में गैरजन स्टेट किताब में पूरी दी है उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही है उन्होंने कहा कि हर ओन हस्बैंड प्रिवेंटेड अ पोस्टमार्टम बीइंग डन ऑन हर काफी क्वेश्चन्स हैं वो जो भी इंसिडेंट की साइट थी इट वाज वेरी क्विकली वॉश्ड वॉश्ड ऑल वो जो भी वहां पे साइट्स थे वो एलिमिनेट कर दिए गए फॉरेन आई एग्री यस आई एग्री तो मैं बहुत सी यानी फिशी सारी उसकी सूरत हाल थी इन्वेस्टिगेशन और फिर एक कोई मेरे ख्याल उसमें स्कॉटलैंड यार्ड की भी एक टीम आई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने शायद वो भी आए थे शायद था और उनको भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली और वो एक बस स्केची सी रिपोर्ट देके ही चले गए ऐसे ही यस दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड बट देखिए डॉक्टर साहब जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं नाउ वी आर इन द 9th एपिसोड तो जरा एक थोड़ा अगर इफ वी टेक आवर सेल्व्स बैक जैसे हम चलते आ रहे हैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री नजर आती है पाकिस्तान की अब से मैं ऐसे कहता हूं और बहुत चेकर्ड हिस्ट्री शैटर्ड और ये जो वर्ल्ड इवेंट्स होते चले आए हैं और जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली दिस रीजन बिकेम क्वाइट सेंट्रल इन दोज इवेंट्स उसकी वजह से तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा सो यस देयर वर इंटरनल फैक्टर्स बट दोज इंटरनल फैक्टर्स वर लार्ज दे अपीयर टू बी लार्जली डिक्टेटेड बाय द आउटसाइड फैक्टर्स प्राइमरली द सुपर पावर्स इन द रीजन एंड वी हैपन स्पेशली आफ्टर वी वर को ऑप्टेड इनटू द सो कॉल्ड अफगान जिहाद उसके बाद यस यू आर एब्सोल्युटली राइट
बट आई वुड लाइक टू गो वन मोर स्टेप बैक. मैं अभी कुछ रिसेंटली पढ़ रहा था तो जो सीटो और सेंटो का हमें नजर आता है, मेरी समझ में आई उसमें बात. सेंटो जो था वो ईस्ट में था, जिसके अंदर ये नहीं वेस्ट में था, वेस्ट में, वेस्ट में, जिसमें ईरान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम एंड पाकिस्तान सेंटो में था, और सीटो जो था वो इन द ईस्ट. ये आपको पता है सीटो के अंदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस जमाने में जफरुल्ला, उन्होंने खुद ही पाकिस्तान को बना दिया था उसका मेंबर विदाउट इवन कंसल्टिंग द गवर्नमेंट. तो ये सारा कहां से हो रहा था, सारा कहां से ऑलवेज बी डिस्कस्ड. और ये देखिए ना, तो उसमें उस वक्त पाकिस्तान के दो विंग्स थे, ईस्ट विंग एंड वेस्ट विंग. तो इसलिए सीएटओ जो था वो तो ईस्ट में था और एक वेस्ट में था, तो दोनों तरफ अलायंसेज में पाकिस्तान को लाया गया, जबरदस्ती घुसा दिया गया उस ब्लॉक पॉलिटिक के अंदर. जी 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 बिल्कुल, पाकिस्तान को फंसा दिया गया ना, फंसा दिया गया. मतलब है कि विंग्स जो है क्लिप कर दिए गए शुरू से ही फ्रॉम द अर्ली 50s, और यू कुड नॉट. आई वुड से इफ यू फॉरगिव मी, आई वुड लाइक टू से दैट जिन्ना ऑफर्ड पाकिस्तान ऑन अ प्लेटर टू द वेस्ट कि हम आपका सारा काम करेंगे. दैट्स योर गिवन एक्सपर्टाइज. आई वुड नॉट लाइक टू दिस आर्ग्यू, नॉट योर ओपिनियन. आई हैव गिवन एविडेंस हियर इन दिस बुक. या यस, आई हैव कोटेड द एविडेंस कि उन्होंने खुद कहा कि हमें तुम कर लो, हम तुम्हारा काम करेंगे. वैसे तो ये अगर आप अगर इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के सेंटिमेंट ज्यादा हर्ट ना हो तो एक जुमला कहने की इजाजत चाहूंगा, वो ये कि मुझे तो ये लगता है कि ये 1939 के बाद जब ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान की डिमांड आई है 1940s में, तो वेल जिन्ना साहब एंड गांधी जी, महात्मा गांधी साहब, दे वर ग्रेट मैन, ऑफ कोर्स वेरी केपेबल एंड नेशनलिस्ट, लेकिन उनसे ज्यादा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हिंदुस्तान और आजाद हुआ और पाकिस्तान बना. अगर वो ये इसके ऊपर एक सिटिंग रखेंगे, इसके ऊपर एक सिटिंग जरूर रखेंगे, क्योंकि देखिए हालात और वाकयात की तरतीब बिल्कुल बिल्कुल. ये आता है कि आई डिड नो, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो बस दे वुड हैव बीन, उनकी एफर्ट्स हम रिकॉग्नाइज जरूर करते, शायद ये दो मुल्क इस तरह से हमारे सामने ना होते, शायद ना होता. जी जी मैं आई एक्सेप्ट ठीक है. तो बट आई वुड स्टिली, मेरे दिल में बहुत रिगार्ड है जो भी फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी लोग थे. और एक बात है जिन्ना साहब ने खुद इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हमने कभी अंग्रेज की हुकूमत को अपोज नहीं किया, वी हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू द ब्रिटिश. तो फ्रीडम मूवमेंट में जिन्ना साहब का जीरो रोल है. ही अपोज द फ्रीडम मूवमेंट, ही वॉन्टेड अ सेपरेट पाकिस्तान. राइट और रॉन्ग वो एक और बात है. ही डिडंट वांट द फ्रीडम. बट दिस डिमांड केम इन 1940, अ ईयर आफ्टर द वॉर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एंड ब्रिटिश हैड जॉइंड द वॉर. एंड द डिमांड वॉज टू ब्रेक अप इंडिया, नॉट टू हैव इट. ये तो है ना, राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं होती. देखिए सर, एक तो जरा हमें दोनों तरफ इंडिया पाकिस्तान के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई डिवाइन एक्टिविटी नहीं हो रही थी. इट वाज प्योर पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स. यस, दैट आई एग्री, पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिक्स. और इन फिगर्स को हम पॉलिटिकल फिगर्स के तौर पे रखें, मेहरबानी करें, इन्हें कोई देवता डिवाइन नहीं, जरूरत नहीं है डिवाइन नहीं. मतलब वो डिवाइन वो उनका डिजाइन नहीं, वो तो हमारी एक्सेस में नहीं है. हमारे सामने तो ये फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री हैं. लेकिन आपको सर, आपको मैं बहुत रिगार्ड मेरे दिल में इस बात का है. आपने जब भी अपने नापसंदीदा लोगों का भी जब भी तस्करा किया है, इफ यू अलाउ मी टू से दिस, आपने उनका भी हमेशा इज्जत के साथ और पूरे साइकिल के साथ. ही है ये तरीका, तो ये जो ये तरीका बन गया है ना, यहाँ पे एक दूसरे को बुरा भला कहने का, कॉलिंग नेम्स. आपके बारे में भी मैंने लोगों को, अब क्योंकि वो आप उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे, तो
वो इस तरह से रिजॉर्ट टू कॉलिंग नेम्स, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, ये छोटे लोग करते हैं, ये छोटे लोग देखे, हम मुसलमान हैं, लेकिन जब हम हिंदू लोग कहते हैं कि हमने कभी श्री राम की कहे बगैर उनका तस्करा नहीं किया, आपके जो रिलीजियस फिगर्स हैं, हम तो उनका नाम भी एहतराम से लेते हैं, और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का लें, हम इंदिरा जी वाज द सेंट्रल कैरेक्टर इन ब्रेकिंग पाकिस्तान, लेकिन हमने हमेशा इंदिरा साहिबा इंदिरा जी कह के उन्हें मुखातिब किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, ये हमारा तौर तरीका है, पॉलिटिकल तरीका है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, रिलीजियस डिफरेंसेस सारे हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन तौर तरीके से नहीं हटना चाहिए इसको, हमें इसको आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस तरीके को बरकरार रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरा ख्याल है इसी नोट के साथ खत्म कर लें, हाई नोट खत्म, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। एक और की रह गई और उसके बाद एक पूरे जो हमने सीरीज की है उस पे करेंगे, ठीक है, तो विद 10 एपिसोड्स आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सीरीज और फिर वी विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। चले ठीक है, यस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।